नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र के बदलापुर में दो बच्चियों के साथ स्कूल में यौन उत्पीड़न के खिलाफ विपक्षी दलों ने बंद का ऐलान किया है। ये मामला शुक्रवार 23 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा। इस दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को बंद करने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रयास कर रहा होगा तो उसके खिलाफ नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए। महाराष्ट्र बंद के खिलाफ डॉक्टर गुणरत्न सरदास बरतने ने और अन्य लोगों ने याचिका दाखिल की। इसमें आरोप लगाया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाविकास आघाड़ी ने बंद बुलाया है। बंद से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल समेत आम जनता को परेशानी होगी। इस याचिका पर चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र स्टाफ ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि अगर इस संदर्भ में नियम है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पहले के निर्देश दिए हैं तो हमारे हस्तक्षेप की क्यों आवश्यकता है। बता दें कि बदलापुर यौन उत्पीड़न केस का भी हाईकोर्ट ने गुरुवार को संज्ञान लिया था। इस दौरान हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कहा कि अगर स्कूल ही सुरक्षित नहीं है तो शिक्षा के अधिकार और अन्य चीज़ों के बारे में बात करने का क्या मतलब है। साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की जानकारी छिपाने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज करने को कहा है। इसके बाद अब मामले की जांच कर रही एसआईटी ने स्कूल के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। बदलापुर केस में विपक्षी दलों का आरोप है कि स्कूल बीजेपी नेता का है, इसलिए और उत्पीड़न के मामले में छुपाने की कोशिश हुई। विरोध के बाद एफआईआर दर्ज की गई। बता दें कि बदलापुर रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने प्रदर्शन किया था। इसकी वजह से 10 घंटे तक सेवाएं बाधित रहीं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।